आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ ये बिल्डिंग्स और वो टावर दिखा रहा था, तो लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद। लेट्स गो, खुल जा सिम सिम। ओह माय गॉड, आज तो एयरपोर्ट में बहुत क्राउड है भाई। नहीं, जाता हूँ अपना सामान चेक इन करता हूँ, मेरी बहुत लंबी फ्लाइट है। And I will give you detail after I check in my thing. और आज जिस एयरलाइन में सफ़र कर रहा हूँ वो है ये कतर एयरलाइन। तो मैं कभी अपनी बैग की रैप करवाता नहीं हूँ, लेकिन एक मेरे जूते जो एक्स्ट्रा थे उनको मैंने बैग के साथ रैप करवाना था, इसलिए जस्ट करवा दिया। घंटा बीच में खड़ा होने के बाद अभी यहाँ पहुँच जाऊँ मैं, और काउंटर अभी भी दूर है। क्लियर करने के बाद अब ये ट्रेन पकड़ूँगा मैं जो एयरपोर्ट के अंदर ही है। ये मुझे मेरे गेट से लेके जाएगी, जो मेरा गेट है। और गाइस, ये हमारी ट्रेन लेके जा रही है हमें हमारे दूसरे टर्मिनल पे, जहाँ पे हमारा जहाज खड़ा है। As you can see, look at the flight. और ये हम जा रहे हैं। एयरलाइन है जो कि उधर पीछे कहीं लगी हुई शायद, बाकी ये सारी मलेशियन एयरलाइन लगी हुई है। और लेट्स सी व्हेयर इज आवर फ्लाइट। अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रही, बट शुड बी समवेयर एट द टॉप। मेरा गेट है C15, तो जाके C15 को ढूंढते हैं। अरे अपना मिल गया हमारा गेट C15, और बहुत लोग हैं। लेट्स सी हाउ आई एम गोना डू इट। गाइस, जहाज मेरा आ चुका है उधर ब्रिज के ऊपर, और C15 वो आगे करके है मेरा जो गेट है। एंड देन थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह चला जाऊंगा, क्योंकि जहाज अभी उतरा है तो डेफिनेटली गोना टेक टाइम। बाकी पैसेंजर्स को उतारेगा, साफ शूफ करेगा, फ्रेशमेंट एंड दिस एंड दैट, एंड देन आई एम गोना गो इन। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ये हॉल में मैं आ गया हूँ, और ये कतर की फ्लाइट खड़ी है। दे आर लोडिंग अवर थिंग्स, और उसके बाद इंशाल्लाह जब वो कॉल करेंगे तो उस ब्रिज से, मतलब लेट मी ज़ूम आउट, इधर से मैंने जाना है एंड सीधा इन टू दैट ब्रिज, और उसके बाद सीधा इस शहजादे में इंशाल्लाह ताला। ओके गाइस, स्टोरी टाइम। मैं कभी भी ना किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं ऐप के थ्रू टिकट्स बुक करता हूँ जो एयरलाइन की होती हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे उंगली आई और मैं एजेंट के चक्कर में घुस गया। उस बंदे की वजह से 3 दिन मुझे फ़्लाइट ना मिली, ऊपर से मैं बीमार हो गया, तो इट्स मेक लाइक सोने पे सुहागा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट मैंने कल बुक करी थी और मुझे आज मिल गई कतर। यहाँ से मुझे जाना है 7 आवर्स to 8 आवर्स कुआलालंपुर से दोहा, और फिर दोहा में मेरा 6 घंटे का स्टे है, और 6 घंटे के स्टे के बाद फिर 3 घंटे की मेरी फ़्लाइट है टू इस्लामाबाद। क्रू जा रहा है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में दे वो कॉल अस ऑल द पैसेंजर्स। जहाज़ के अंदर जाने का टाइम आ गया गाइस। जैसे कि मैं जा रहा हूँ जहाज़ के अंदर, थैंक यू। ये बिजनेस क्लास है, और अब हम जा रहे हैं अपनी तरफ, और अब चलो 33A। सॉरी, ये 33A आ गए हम। कुछ ऐसी सीट है गाइस, ये पिंक किट, पता नहीं किसके लिए, हेडफोन्स, एक ब्लैंकेट, कुशन।
यूनिवर्सो चार्जिंग पोर्ट है और आई डोंट नो व्हाट दैट, और ट्रे भी काफ़ी ठीक है, बड़ी है। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लेग स्पेस है, लाइक मेरी लेग्स बहुत अच्छी से आराम से 7 घंटे की जर्नी है और बिल्कुल परों के ऊपर मुझे सीट मिली है। एंड देन यस, घंटे का सफ़र और मैं जो है वो बिल्कुल कोने पे हूँ, यहाँ पे भी 2 लोग आने हैं और अल्लाह करे कि वो लोग गुस्से वाले ना हो, क्योंकि मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा कहीं भी, तो ईजी रहे थोड़ा। एक चीज़ तो मुझे कतर एयरलाइन को बतानी पड़ेगी कि यार सीरियसली इस तरह के हेडफोन्स होते हैं यार, कुछ इस तरह का टॉयलेट है अच्छा सा, हेयर ड्रायर और वो तो आपको पता ही है, अच्छी सी परफ्यूम रखी है, म्यूजिक चल रहे हैं पीछे और सिगरेट कभी नहीं करना, योर हाफ का भाई। मेरी फ्लाइट काफ़ी ऊंची चल रही है क्योंकि नीचे तो खैर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर की जितनी भी डार्कनेस है वो नज़र आ रही है। अबे कहाँ लेके जा रहे हैं भाई गाइस कराची के बिल्कुल करीब हूँ बट कराची जा नहीं रहा, और ये जाएगा दोहा, फिर दोहा से वापस एक और फ्लाइट आएगी जो कि इस्लामाबाद में उतारेगी मुझे। इस्लामाबाद की थी क्या तारीख है मुझे, तो मुझे यहाँ आना है वापस यहाँ से। आई नो बैठ बैठते ही थक गया था, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ कि हर बंदा इधर सबूत में अपने मूवीज देख रहा है, चेक करिए। गाइस इस टाइम मैं मस्कत के ऊपर से गुजर रहा हूँ, आई मीन ऑलमोस्ट दुबई के तकरीबन करीब करीब, नीचे अरब के सहरा चेक करिए और ऊपर गॉड फाइनली रीचिंग सून।
और गाइस ये दुबई का सबसे फेमस पाम का जो उन्होंने आइलैंड बनाया है ये वो है। तो हम ऑफिशियली क्रॉसिंग स्टेडियम है जो जहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है और बहुत दूर करके थोड़ी सी शायद धूल है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, बट वो फुटबॉल स्टेडियम था जहाँ के ऑफिशियल फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। गाइस हम कतर की एयरपोर्ट पर लैंड करने लगे हैं और एज यू कैन सी It's getting lower and lower, so सारा रेगिस्तान है, बस ये पानी है। एंड देन वी अबाउट टू लैंड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी अरब कंट्री में लैंड करने लगा हूँ, इससे पहले US, Canada। एंड गाइस ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड देन वी जस्ट टच डाउन गाइस। अभी अभी जहाज उतरा मेरा, माशाल्लाह, वी हैव कतर, फर्स्ट टाइम इन अरब कंट्री। गाइस फाइनली मैं लैंड कर चुका हूँ दोहा में और पहले सबसे पहले अपना गेट ढूंढता हूँ कि मेरी कनेक्टिंग, यहाँ से भी मैं ट्रेन में घुस गया हूँ और I've been transit to the other side and now we'll just let you know. Guys, ye hai wo football jo use hoga FIFA World Cup mein jo Pakistan mein banaya hai. Beautiful. Let me go a bit more near to that shit. Ye use hoga, iska big example hai. Damn. Yeah, aur wait kar raha hu apni dusri flight ka jo ke 6 ghante mein hai. और 6 घंटे में क्या करूँगा एयरपोर्ट पे, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड और कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स देखी थी मैंने, क्योंकि ये नया एयरपोर्ट शायद नया है तो इसलिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एज यू कैन सी प्रीटी मच एम्प्टी, और वो मेरा लाउंज है, सिल्वर लाउंज, लेकिन वो बोलते हैं कि 4 बजे से पहले नो, तो सिर्फ 4 o'clock आई कैन गो इन, एंड इफ आई कैन ईट समथिंग or if I can spend time there using internet, I don't know, so let's see. सोचता था ये दुनिया से ख़त्म हो गई है, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट कतर एयरपोर्ट कि उन्होंने पे फोन अभी भी रखी हैं, यू नो, कि आप पैसे डालो या व्हाट्स एवर जो भी कार्ड हो खरीद के, यू कैन कॉल एनी वन, सो दैट्स अ काइंड ऑफ गुड डील। अच्छा फ्लाइट मेरी डिले आधे घंटे के लिए, खफा ये है। ओ भाई हेलो हेलो शफीक। ये देखा नज़र आ रहा है, इट्स डिलेड। फाइनली आफ्टर सो मच डिले लाइक 1 आवर वी गोइंग टू डिफरेंट फ्लाइट नाउ। दिस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लेग स्पेस मिली है। गाइस मैं थका भी बहुत हूँ और मुझे सीट भी इस दफ़ा मिडल में मिली है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं पाकिस्तान में। गाइस किसी पुराने ढाबे पे सुबह के 5 बजे पाकिस्तान में मिली पहली खुराक या पहली मील ये है। गाइस आज तक इतना ही था, अभी मैं पाकिस्तान में और बहुत खुश हूँ और तरह तरह के खाने और ये और वो जो मैं खा नहीं सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए अपना बहुत कर रखिए, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।